वेलकम टू जूरिस्ट एग्जाम। आप या करंट अफेयर जूरिस्ट एग्जाम पर देख रहे हैं। आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप करंट अफेयर को अंत तक देखते रहिए। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। करंट अफेयर स्टार्ट करने के पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए और इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी 2020 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेमबोसा की 10वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट है फेमबोसा फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की 10वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। फेमबोसा फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों की फोरम। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में फेमबोसा की 10वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 2020 के लिए फेम्बोसा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और अन्य जैसे विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रबंधन निकायों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर सम्मेलन में भाग लिया। फोरम की स्थापना 2012 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के तीसरे सम्मेलन में की गई थी। तो फेम्बोसा की 10वीं वार्षिक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 2020 को अपना उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, इसलिए अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश मनाता है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है विधायक राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी प्रयागराज, पूर्व नाम संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस, जिसका नाम बदल करके 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। भाषा है हिंदी, दूसरी भाषा है उर्दू। जिलों की संख्या 75, विधानमंडल द्विसदनी, विधान परिषद सीटें 100, विधानसभा सीटें 403+1 404, एक एंग्लो इंडियन के लिए। राज्यसभा सीटें 31, लोकसभा सीटें 80। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल। पर्यटन स्थलों की बात करें तो आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला अकबर ने बनवाया था आगरा का। जामा मस्जिद शाहजहां ने। सारनाथ, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते। कुशीनगर, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश के बारे में। राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल डायरेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्लासिकल डांस की बात करें तो फेमस क्लासिकल डांस उत्तर प्रदेश का कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में CAA को शामिल करेगा? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस विभाग ने नागरिकता संशोधन कानून CAA को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने का आदेश दिया। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 12 दिसंबर 2019 को बना था। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1867 में। मोटो है लाइट एंड लर्निंग। चांसलर है आनंदी बेन पटेल, वाइस चांसलर आलोक कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राष्ट्रीय कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 6.8 करोड़ नए ग्राहक 2 साल में EPF ESI में शामिल हुए? EPF एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ESI एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2017 और नवंबर 2019 के बीच EPF और ESI योजनाओं में 6.4 करोड़ से अधिक नए ग्राहक शामिल हुए हैं और 16 लाख से अधिक नए ग्राहक इस अवधि में के दौरान NPS नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल हुए हैं। अगली रिपोर्ट 25 फरवरी को जारी की जाएगी। सितंबर 2017 से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से जुड़े आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 3 प्रमुख योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना, कर्मचारी राज्य बीमा ESI की सब्सिडीज की संख्या का उपयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लुइस विटन के प्री फॉल 2020 कैंपेन के लिए अभिनय करने वाली पहली भारतीय हैं? इसका राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण पहली बॉलीवुड स्टार हैं जो इस कैंपेन के लिए सिलेक्ट हुई हैं। तो अभी हाल ही में पहली भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिन्हें क्रिस्टल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 2020। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2020 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के नए संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 26। 26 ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में नवीनतम 26 भारतीय अंग्रेजी भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें आधार, चाल, हड़ताल और शादी अन्य जैसे अंग्रेजी शब्द भारतीय अंग्रेजी शब्द शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और यूपी के प्रबंध निदेशक शिक्षा विभाग फातिमा दादा ने कहा, इस संस्करण में 26 नए भारतीय अंग्रेजी शब्द शामिल हैं, जो मुद्रित शब्दकोश में 22 हैं और अन्य डिजिटल संस्करण में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने विकलांग बच्चों के लिए ड्रीम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने विकलांग बच्चों के लिए ड्रीम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे पर 44 विशेष रूप से विकलांग बच्चों ने 40 मिनट की विमान सवारी का अनुभव लिया है। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, भाषा है उड़िया, जिलों की संख्या 30 है, विधानमंडल 100 सदनीय है, विधानसभा सीटें 147, राज्यसभा सीटें 10, लोकसभा सीटें 20, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में सबसे ईमानदार देश कौन है? ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में सबसे ईमानदार देश कौन है? इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क और न्यूजीलैंड सामूहिक रूप से सबसे ईमानदार देश बने हैं। इनका स्कोर है 87, दोनों देशों का सेम है। तो भारत 41 स्कोर के साथ 80 स्थान पर है इसे ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में। तो टॉप 10 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे डेनमार्क 87 स्कोर के साथ, दूसरे पे न्यूजीलैंड 87 स्कोर के साथ, फिनलैंड तीसरे स्थान पे 86 स्कोर के साथ, चौथे स्थान पे सिंगापुर 86 स्थान के साथ, पांचवें स्थान पे स्वीडन 85 स्कोर के साथ, छठवें स्थान पे स्विट्जरलैंड 85 स्कोर के साथ, सातवें पे नॉर्वे 84 स्कोर के साथ, आठवें पे नीदरलैंड 82 स्कोर के साथ, नौवें पे जर्मनी 80 स्कोर के साथ, 10वें पे लग्जमबर्ग 80 स्कोर के साथ। तो भारत इस स्कोर में 41 नंबर के साथ 80 स्थान पर है। तो यह 180 देशों की रिपोर्ट थी ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। 2/3 देश स्कोर 50 से कम पाए हैं। पाकिस्तान 120वीं रैंकिंग है। पाकिस्तान की इस 100 नंबर स्कोर 100 पाने वाले देश को भ्रष्टाचारी मुक्त घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 की लिस्ट में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे स्थान पे सिंगापुर। भारत इसे ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स के 2020 में भारत 72वें स्थान पर है। यह 7वां संस्करण था ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स का। तो फ्रेंड कल का प्रश्न था, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। इस क्वेश्चन का जवाब कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा झरिया, या झारखंड में स्थित है। देश के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्रों में गिना जाता है। या तो दिल्ली इस बार 10वें नंबर पे है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में। झारखंड राज्य का ही धनबाद भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। टॉप 10 में 6 शहर यूपी के ही हैं, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। सबसे कम प्रदूषित है शहर मिजोरम का लुंगलेई और इसके बाद मेघालय का डौकी शहर। तो फ्रेंड आज का प्रश्न है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। आज का प्रश्न है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। तो फ्रेंड आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। प्रतिदिन के सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ज्यूरिस्टिक एग्जाम, धन्यवाद।